नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है। अभी हम अपनी चुनावी यात्रा के दौरान गया डिस्ट्रिक्ट के बेलागंज विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में मौजूद हैं। हम एक इलेक्शन कैंपेन ट्रेल कवर कर रहे हैं सुरेंद्र यादव राष्ट्रीय जनता दल के बेलागंज विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार हैं। इनकी अपनी कुछ खूबियाँ हैं। ये सातवीं बार विधानसभा चुनाव में अपनी दावेदारी इन्होंने पेश की है। 6 लगातार टर्म ये MLA रह चुके हैं। 2019 में इन्होंने एक बार एक टर्म के लिए ये लोकसभा के सांसद भी रहे हैं। 2019 में इन्होंने एक बार फिर लोकसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन बहुत कम मार्जिन से वो जहानाबाद की सीट से हार गए थे। हमारे साथ सुरेंद्र जी हैं। मैं जानना चाहूँगा सुरेंद्र जी, ये बुद्ध और विष्णु की धरती है, यहाँ पे भगवान बुद्ध को सेल्वेशन मिला था, मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, इनलाइटेनमेंट मिला था, उसमें आपको मगध सम्राट कहा जाता है, क्यों? देखिए, मगध सम्राट कोई कुर्सी नहीं है, कोई ताज नहीं है, कोई ऐसा मेडल नहीं है। मगध सम्राट का एक पद जो हमको मिला है वो बहुत बड़ा जमात मेरे साथ रहता है। हर धर्म हर मजहब के लोग मेरे साथ रहते हैं, जिसका अपार शक्ति और ताकत है। और जो हम लगातार जो चुनाव जीतते हैं उसका वजह है वही ताकत। वो ताकत में ना गोली है, ना बंदूक है, ना तोप है, ना राइफल है। वह ताकत है जमात का। और जमात जो है, जब हम लोग कोई चीज़ खाने के लिए बैठते हैं तो झूठा नहीं मानते हैं, बुरा भी नहीं मानते हैं, और आपस में राय मशवरा करके एक जो लड़ाई होता है, लड़ाई फैटा फैटी मारा मारी वाला नहीं, लड़ाई राजनीति की लड़ाई, तो राजनीति की लड़ाई हम लोग लड़ते हैं। या कोई बढ़िया काम करना है तो उस पर राय मशवरा आपस में हम लोग करते हैं। तो वो जो सभी धर्म सभी जाति सभी मजहब के लोग जो जमात है, उसी का नाम मगध सम्राट है। तो हर आदमी जो मेरे साथ है वो सब सम्राट है, पूरा बेला मगध सम्राट है। लेकिन जब कभी भी सुरेंद्र यादव का नाम आता है तो एक छवि सामने आती है दबंग नेता की, वो क्यों है? देखिए, ऐसा है कि दबंग नेता के पीछे जो है से मेरे पीछे कुछ नेता लगा हुआ रहता है बदनाम करने के लिए, क्योंकि एक बार जीतता है और दूसरा बार हारता है। कुछ विधानसभा विधान परिषद में पिछला दरवाज़ा से आते जाते हैं तो उसको कुछ न मिलता है तो सोचता है सुरेंद्र यादव ये बार बार चुनाव जीत के चलाता है, तो बड़ा उसको जलस होता है, बड़ा दुख और तकलीफ होता है। जैसे ही हमको देखता है तो उसको अनपच हो जाता है। अब फिर हम पहुंच रहे हैं, कुछ लोग कहा से बहुत बड़ा अपराधी, इसको हारना बहुत ज़रूरी है। अरे भैया, मेरा अपराध के तो यही तो है कि हम मीना मांझी एक महिला थी रफीगंज के रहने वाली, उसका दोनों पैर बच्चा का लटक गया, पेट से पैदा होना था, टर्म पूरा था, पैर दोनों लटक गया, मेरे पास बेहोश ले आया सब घर पर, हम ले आके मेडिकल में उसको भर्ती कराए, डॉक्टर उसको प्राइवेट में भेज दिया, फिर ले गए उसको भर्ती कराए, फिर उसको प्राइवेट में भेज दिया, फिर ले गए फिर भर्ती कराए, फिर प्राइवेट में उसको भेज रहा था, तब तक हम पहुँच गए। पहुँचते पहुँचते घर से हम सिविल SDO को फ़ोन किए, DSP को फ़ोन किए, थाना को फ़ोन किए, आप लोग आइए यहाँ, बहुत बड़ा माफिया डॉक्टर लोग बैठे हुए हैं और यहाँ से कर रहे हैं दलाली, डॉक्टर लोग दलाली कर रहे थे। तो वहाँ गए तो डॉक्टर हम ही को मारना शुरू कर दिया। अब जब मारना शुरू कर दिया तो मेरा सुरक्षा में गार्ड था, गार्ड फायरिंग कर दिया, और जब फायरिंग हो गया तो मुकदमा डॉक्टर लोग पूरे बिहार भर के हड़ताल कर दिया, अपराधी को गिरफ्तार करो, अपराधी गिरफ्तार करो। एक को लपड़ नहीं मारे, गालियों नहीं दिए, मुँह से कुछ बोलवे नहीं किए, गार्ड मेरा जो है मेरे सुरक्षा में गोली चलाया दो राउंड, हमको अपराधी बोल दिया। और उसमें कुछ नेता जो है पीछे दरवाजा से आने वाले, पीछे दरवाजा से जीवन में चुनाव न लड़ेंगे, चुनाव लड़ना है तो बेला में आके एक बार लड़ें तब न जाने भाई, पिछला दरवाजा से घुस जाते हो, बड़का नेता कहलाते हो, बड़ा बड़ा उपाधि लेके बड़ा बड़ा सायरन बजाते हो, जरा मैदान में आओ ना भैया, सुरेंद्र यादव सामने मैदान में लड़ो तो समझ में ना ना उससे नहीं लड़ेंगे, तो मगध सम्राट है। अरे मगध सम्राट है तो उससे क्या दिक्कत है भाई, और भी चुनाव यहाँ लड़ रहा है ना, बहुत सारा लोग लड़ रहे हैं, 10-20 उम्मीदवार लड़ रहा है, 14 उम्मीदवार अब ये लड़ रहा है, तो किसी को हम लोग कुछ बोल रहे हैं क्या? वो अपना कैंपेनिंग कर रहा, हम अपना कर रहे हैं, वो अपना वोट मांग रहा है, हम अपना वोट मांग रहे हैं, तो उसको सिर्फ यही है कि बदनाम कैसे होगा। जिस तरह से राहुल गांधी के पप्पू कहलाने के लिए
पैसा खर्चा हुआ 1,000 करोड़ रुपया कि उसको पूरे भारत में पप्पू 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 प्रचार प्रसार कर दिया उसको। क्या राहुल गांधी कोई खराब नेता अच्छा लीडर नहीं है? हमको तो लगता है कि बहुत ज्ञानी और अच्छा लीडर है, अच्छा इंसान है, अच्छे खानदान अच्छे परिवार से आता है। तो पप्पू कहलाने के लिए 1,000 करोड़ रुपया खर्चा किया गया उस राहुल गांधी को, तो मेरे पीछे भी क्या लगता है कि 100 करोड़ नहीं खर्चा करता होगा, जरूर करता होगा। छः लगातार टर्म विधानसभा में, एक टर्म पार्लियामेंट में, क्या राज है? 7वां टर्म के लिए आप चुनाव में हैं फिर? आप सीधे सीधे कुछ नहीं, हमको इसका जवाब मेरे पास नहीं है। आप सीधे सीधे मेरे घर पर चल जाइए और घर पर जाइए और देखिए कि इसे मेरा परिवार जितना है, जनानी या मेरा बेटा उठा या मेरा स्टाफ, सब सेवा में लगल रहता है कि नहीं। चाहे वो जितना गंदा कपड़ा पहन के आवे, जितना उसका शरीर माके, जितना वो बीमार रहे, नेता तो नहीं पोछी देंगे, नहला तो देवे करेंगे, भर पेट भोजन तो करा ही देंगे उसको। जितना हमको तनख्वाह मिलता है विधानसभा से, सारा तनख्वाह देते हैं शादी में, मरनी जीनी में, बीमारी में। एको पैसा घरे हम नहीं रखते हैं, कुछ पैसा जो थोड़ा बहुत खर्चा है उसमें रखते हैं, बाकी सब हम देते हैं गरीब लोग के, क्योंकि उसी का वो पैसा है, वो जनता के गाढ़ी कमाई है। वो हमको वोट दिया इसीलिए कि तुम कमाओ तो हमको भी थोड़ा खिलाओ, थोड़ा तुम कमाओ थोड़ा हमको भी सेवा करने का मौका दो। हम उस सबके सेवा में रात दिन लगा रहते हैं। छठा टर्म आपने कंप्लीट किया, 7वें के लिए आप फाइट कर रहे हैं, मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों से के लिए चुनाव में आ रहे हैं आप? देखिए, पॉलिटिकल भाषा नहीं बोलेंगे। लोग कहता है कि विश्वास से नेता चुनाव जीतता है, विकास अनिवार्य है, तो उसके साथ साथ विश्वास भी अनिवार्य है। जिसके पास दो गो रहेगा चीज, विकास और विश्वास, तो उसको चुनाव कोई धरती पर हराने वाला नहीं है। हम क्षेत्र बदल के लड़ने वाला चुनाव नहीं है, नेता बदलने वाला नेता नहीं है, नेता वही रहेगा, क्षेत्र वही रहेगा, जनता वही रहेगा, सुरेंद्र भी वही रहेगा, यही है चुनाव जीतने का राज। अभी कोरोना महामारी के दौरान जब लॉकडाउन पूरे कंट्री में लगाया गया तो बिहार की एक बड़ी तादाद जो दूसरे स्टेट्स में काम करती थी उसको घर आने की जब ये हुई तो एक टर्म क्वाइन किया गया, प्रवासी मजदूर क्या कहेंगे। उसमें नीतीश कुमार का जो रोल था, बस नहीं दी गई, बहुत क्रिटिसाइज़ किए गए नीतीश कुमार, क्या कहेंगे आप उसके बारे में? नीतीश कुमार का तो ज़्यादा हम नहीं कहेंगे, अगर नीतीश कुमार जी मेरा बात को सुने तो ये ज़रूर अपने दिल में रख लें और इस पर संज्ञान लें अपने दिमाग के अंदर में कि जो कमाने गया था वो सब नीतीश कुमार के परिवार के लोग थे। बिहार के मुखिया है नीतीश कुमार, तो एक तरह से वो गार्जियन है। गार्जियन की जिम्मेवारी होता है कि छोटा बेटा से लेकर बड़ा बेटा तक एक ही तरह हम कैसे दोनों को दोनों आँख से बराबरी देखें और दोनों के बराबरी सम्मान और इज्जत और प्रतिष्ठा दें। नीतीश कुमार को गाली दिया था नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार उस गाली का बदला लिए जो बाहर में बेटा भाई भतीजा बच्चा कमाने गया था उससे। प्रवासी मजदूर को उपाधि नीतीश कुमार दिए, ना कि लालू यादव या तेजस्वी दिया या सुरेंद्र यादव दिया है, हम लोग नहीं दिए, चूँकि वह बच्चा मेरा था। नीतीश कुमार अच्छे इंसान हैं, बुरा नहीं है, अच्छा इंसान है। उनको बताने वाला कोई नहीं होगा या कोई गलत सलाह देने वाला होगा या गलत उपाधि देने वाला उस समय मिल गया होगा कोई, समझना, भारी बुरचौंधर कोई साथे बैठल होगा या भारी विद्वान होगा, दोनों में एक ही होगा। विद्वान भी बुरबक कभी कभी बन जाता है, अब भारी बुरचौंधर तो है वो कभी कभी वो भी विद्वान हो जाता है कभी कभी। अभी गांव में हम घूम के आ रहे हैं, गांव में तो हमको बताया गांव में किसे ऐसे देखी तो कितना ख़राब है सुरेंद्र बाबू बताओ, तो उसको अभी हम संज्ञान ले लिए और हमने कहा कि जाओ अभी जो वेतन मिलेगा सब पैसा तुम लोग को दे देंगे। अभी हमें गाँव से आ रहे हैं, बोला इस बार सब तुम लोग के दे देंगे और तुम लोग आपस में एक काम बड़ा कर लेना उससे। तो वो काम बोला कि हम लोग कर लेंगे, साफ सफाई वाली बात थी तो उसने कहा कि हम इसको कर लेंगे, सच्चे उसको पूरा वेतनवा दे देंगे। सच बात है, सूद को इसलिए मानते हैं कि आज सूद के अखबार में बोला है सूद कि जो भी
आईएएस के कंप्लीट करने वाला आईएएस आईपीएस के है उसको जो है से मैं पैसा से, आप सोनू सूद की बात, सोनू सूद के बाद पैसा से मदद करूंगा। ये सच बात है कि जो गरीब का बच्चा है, चाहे वो किसी बिरादरी हो, हर बिरादरी में गरीबी है, तो सोनू सूद को मैं सैल्यूट करता हूँ। ये सोनू सूद तुमको हम जरूर मिलेंगे यार, तुमको हम सैल्यूट करते हैं, बौद्ध के लागे प्रतिमा एगो देंगे, तुम मेरा एक्सेप्ट कर लेना इस न्यूज़ के माध्यम से। तुम जहाँ भी रहोगे हम मिलेंगे तुमसे जरूर, बौद्ध के एक प्रतिमा तुमको भेंट करेंगे, तुम हमसे मिलना। तुम बिहार और यूपी के बहुत मदद किए हो, और जब ये बोले हो कि आईपीएस और आईएएस जो गरीब के बच्चा उसको भी हम मदद करेंगे, तुमसे बढ़िया इंसान कोई नहीं हो सकता है। अगर हमको बस चले, मेरा बस चले, तो हम तो ये कहेंगे कि देश के सबसे ऊंचा पद पर तुमको भी होना चाहिए। एक आखिरी सवाल सुरेंद्र जी, आपने 80s के दशक से, 80 के दशक से अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की है, तब से लेके आज तक आप राष्ट्रीय जनता दल में हैं, इस बीच में बहुत सारे लोग नेता बने और सामाजिक न्याय के इस पे नेता बने, लेकिन वो पार्टी बदलते रहे हमेशा सरकार में बने रहने के लिए, सुरेंद्र यादव ने ऐसा क्यों नहीं किया? देखिए, जब ये तय हो गया कि बाप का नाम फलाना रहेगा और पैदा हुए तो बाप का नाम वही है, तो फिर बाप और माई नहीं बदला जाएगा। लालू यादव के इस जन्म में बदलने वाले नहीं हैं, और इस जन्म में हम क्षेत्र भी बदलने वाले नहीं हैं। इस क्षेत्र में सब मेरा माई बाप भाई भतीजा रहता है, और उसी के बीच में हम रहना पसंद करते हैं। ये जो चुनाव लड़ा जा रहा है इसमें लालू यादव नहीं है, जेल में हैं, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, कितनी कमी महसूस कर रहे हैं? तो ये तो जनता जान रहा है, सब कोई, सब जनता मन जान रहा है भैया कि लालू यादव की बड़ी तबीयत ख़राब है, और सेवा करेगा तो सुरेंद्र यादव करेगा, और मेरा जो संवाद है सुरेंद्र यादव वहाँ पहुँचावेगा। तो ये सच बात है कि लालू यादव की तबीयत ख़राब है, तो उसका जो मालिक है यहाँ जनता, ये लालू यादव को इस बार इतना आशीर्वाद देवे जा रहा है कि लालू यादव स्वतः ठीक हो जाएगा, पक्का मान लीजिए। तो आप RJD के इतने पक्के सिपाही हैं, तो 2019 में क्या हो गया आपका, आपके चुनाव में जो तेजस्वी के बड़े भाई से आपकी नहीं बनी, क्या हुआ क्या? देखिए, तेज प्रताप के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो अच्छा परिवार वो नहीं रहता है जो अपने परिवार को शिकायत करे। जब उस घर में हमारा बचपन बीता है, तो तेज प्रताप या तेजस्वी सब मेरा छोटा छोटा भाई भतीजा है, और भाई भतीजा में और आपस में घर में मिलट बैठ मिल के सलटा जाता है। जब खाना कम रहे तो एक एक मुट्ठी बांट के खाया जाता है, ताकि सबके पानी पी के पेट भर जाए, तो उसमें कमेंट नहीं होता है। चलिए आखिरी सवाल, नीतीश कुमार को आप क्यों चैलेंज करते हैं कि आपके अगेंस्ट चुनाव लड़के दिखाएं? नहीं, नीतीश कुमार के चैलेंज और चुनौती नहीं देते हैं। नीतीश कुमार के हम कहते हैं कि आप गांव में जाइए। बहुत दिन से नीतीश कुमार गांव में जाना छोड़ दिया है, रहने वाला गांव के हैं, गांव के हैं, हर गांव के बारे में वो जानते हैं, पर कुछ लोग चाटुकार से नीतीश कुमार घेरा गए हैं, कुछ बिचौलियों से भी घेरा गए हैं। किसान का बेटा, एक वैद्य का पुत्र हैं, उनका पिताजी पैसा रहे ना रहे हर कोई के दवाई देते थे, अच्छे इंसान थे। मैं उनका गांव में गया हूँ, उनके घर पर भी मैं गया हूँ, खाना भी खाया हूँ। नीतीश कुमार कोई बुरा इंसान नहीं है, अच्छा इंसान है, पर गांव जाना वो छोड़ दिए हैं, और जो गांव जाना छोड़ दिए हैं तो गांव के जो बदहाली है, जो हालत ख़राब है, उनको नज़र नहीं आ रहा है, वहाँ तक कोई बात पहुँचा नहीं रहा है। जनता दरबार लगाते थे तो गाँव के आदमी पहुँच के अपनी बातों को रखते थे, क्यों आप जनता दरबार बंद कर दिए हैं, क्यों बंद कर दिए, किसने आपको कहा कि जनता दरबार बंद कर दीजिए? जनता दरबार से तो आपको गांव के सच्चाई पता चल जाता था, क्यों आप ऐसा डिसीजन ले लिए कि जनता दरबार बंद कर दिए? जनता ही एक ऐसा है कि आपको हाथ पर टांगे हुए रहता था, जिस ओर जाते थे सब कहता था कि नीतीश कुमार जा रहे हैं, लालू जी के छोटा भाई जा रहे हैं, अब आप जनता दरबार बंद कर दिए, गाँव में जाना बंद कर दिए हैं। आप गाँव के भ्रमण करते हैं, पूरा बिहार के भ्रमण करते हैं, पर गांव तक आप थोड़ी पहुंचते हैं। अफसर आपको घेर के रखता है गांव में, पहले ही सिविल ड्रेस में अफसर आपका बैठ जाता है। कभी आप माननीय मुख्यमंत्री जी सोचे हैं कि आपका BDO CO सब भेद देता है लोगों को, और थ्रेटनिंग देता है गांव के लोग के, आपके तक नहीं पहुंचने देता है, आपको कोई जानकारी दिया है? आप गाँव में जाते हैं जानकारी लेने के लिए, पर जनता आपके पास पहुँचता है, क्यों नहीं पहुँचता है? वही जनता पहुँचता है जिसको प्रशासन के लोग
मैनेज कर लेते हैं, बस थोड़ा थोड़ा आपके यहाँ भेजता है, आप उसकी बात को सुनते हैं। जो मूल आदमी है, जो आपका शिकायत बोलने वाला है, जो आपको सच्चाई से अवगत कराने वाला है, उसको थोड़ी आपके यहाँ भेजता है। नतीजा है कि आप दिन पर दिन जनता से कटते जा रहे हैं, कटते जा रहे हैं, और इस बार आप पूरा कट जाइएगा जनता से। तो ये थे सुरेंद्र यादव, इनको आपने सुना। इनका कहना है कि जो मगध सम्राट की उपाधि है ये कोई दबंगई नहीं है, ये जनता का प्यार है जो जिसके द्वारा, जनता के द्वारा दी गई ये उपाधि है, और ये अपनी जीत का पूरा पूरा दावा कर रहे हैं। हमारी चुनावी कवरेज इस तरह जारी रहेगी, देखते रहिए न्यूज़ क्लिक। शुक्रिया।